म्हणजे मात्र चेंडू जातोय उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर, पण ते इशारा करते व्हाईट बॉल. एक अवंतर धाव मिळते, अवंतर धावाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्येमध्ये चार. देखिए पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे बैट्समैन. जॉय कुमार साठी हॅट्रिक साठी सतीशजी चौधरी, तर जितूजी फुले यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक. यावेळेला मात्र टॉप एज चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली, स्वतः गोलंदाज सोलज येतोय, एक चांगला झेल घेतोय आणि दुसरी सफलता या षटकामध्ये मिळवून देतोय. देखिए सूरज केने हालांकि बल्लेबाजी में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और पोगांव के टूर्नामेंट के वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ दी टूर्नामेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में पिछड़ रहे थे. लेकिन उन्होंने भी पलटवार किया, जिस तरह उसामा ने 4 विकेट लिए उस तरह अब सूरज केने 2 विकेट चटकाते हुए. एक दमदार शुरुआत बघायला मिळते, कारण पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 2 फलंदाज बाद केलेले आहेत. एक चांगली सुरुवात, नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा एक चांगला निर्णय, कारण धावसंख्या आपण पाहतोय की फक्त आणि फक्त 4-2. सूरज खेने एक वेगवान गोलंदाज, यावर एक चांगला चेंडू आहे, अपील केलं जातंय, जोरदार अपील केलं जात पाहिजेच. मात्र पंच पाहत आहेत की चेंडू हा डावी इष्टी सोडून जातो, हे बघितल्यानंतर इम्पॅक्ट त्यांनी बघितलेला आहे आणि या ठिकाणी अपील फेटवून लावल्या लेग बायचा इशारा केला जातोय. धावसंख्या झालेली 5, 2-5. पहिलं षटक हे मार्गस्थ आहे. सूरज कणे राईट आर्म वरती विकेट, यावेळेला मात्र लेट कट करण्याचा करायचं, तर काय चेंडू होता. मी तर म्हणून सुदैव म्हणेन फलंदाजाचा बॅटला स्पर्श झालेला नाहीये. आणि काही गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळालेली आहे, कारण षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 5 धावा दिल्या आहेत आणि 2 महत्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळवून दिलेल्या आहेत. यस आय थिंक इट हॅज बीन अ ग्रेट ओव्हर फ्रॉम सूरज केने इन मॅन्डेटरी पॉवर प्ले, कन्सिडर ओनली 5 रन्स अँड क्लेम 2 विकेट अँड एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. आय थिंक नॉट अ व्हेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम सुरेश एंटरप्राइजेस पाय 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. ॲब्सोल्युटली सुरेश एंटरप्राइजेस विरुद्ध जॉय कुमार, एक चांगली सुरुवात मात्र जयकुमार संघाच्या माध्यमातून नाणेफेक जिंकून जो निर्णय घेतलेला आहे क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि निर्णय सार्थ ठरवला आहे, खास करून गोलंदाज सूरज खेणे याने. दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज कुमार. पहिल्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केलेली आहे सूरज केने याने, पूर्णपणे दबाव टाकलेला आहे, प्रेशर बिल्डअप केलेला आहे. मी थांबवतोय कॉमेंट्री बॉक्स, कारण की सतीश जी चौधरी टायगर ऑफ टिमगर याच्या माध्यमातून जॉय कुमार संघ खेळत आहे. विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. षटकार आणि चौकार ज्यावेळेस फलंदाजी करेल जॉय कुमार टिमगर संघ, त्यांना देखील पारितोषिक हा आहे, 500 रुपयाचं पारितोषिक दिला जाईल. कुमार येतोय दुसरं षटक घेऊन. हा चेंडू मात्र स्वेर चेंडू आहे, डाव्या एसटीच्या बाहेरून जातो, एक धाव पूर्ण झालेली आहे. आणि पंचांचा इशारा येतोय, व्हाईट बॉल, 1+1, 2 धाव मिळत आहेत, धाव संख्या झालेली आहे 7, 2-7. देखिए विशाखा स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी के कैप्टन आप दोनों को नरेंद्र चौधरी से आके मिलना है, विशाखा की कैप्टन और बालाजी के कैप्टन. यहाँ वाटर शॉट स्लॉग सीप और चेंडू जाते हुए डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, एक दर्जेदार षटकार. गजब का शॉट खेलते हुए वहां पर विजय चंदने, क्या शॉट खेला है ये देखिए, दूर कहीं इसे कहते एक मारा लेकिन सॉलिड मारा. षटकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढलेली आहे, धावसंख्या झाली 13-13. कुमार राईट आर्म ओवर द विकेट,
पुनः एकदा फटका खेळलाय, चेंडू लॉन्ग ऑन लाय, मात्र क्षेत्ररक्षक नाही जो पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र एका टप्प्याने हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। चौकार, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका बघायला मिळाला, कारण वाईट अप लॉन्ग ऑनला होता क्षेत्ररक्षक और सीधे प्लेट से गेंद को उछाल दिया था वहां पर। और विजय चंदने ने अब अपने बाजुओं को खोला है, चौका आता हुआ स्कोर में 17 धावा झालेले। कुमार पुन्हा एकदा फटका, चेंडू लॉन्ग ऑनला हवेत आहे, झेल होते का बघायचं आहे। एक वाईड ऑफ लॉन्ग ऑनला एक चांगला झेल, विजय चंदन थोड़ा डेंजर वाटत होता, कारण एक षटकार मारला होता, एक चौकार मारला होता आणि पुन्हा एकदा लॉन्ग ऑन क्लियर करण्याचा प्रयत्न, मात्र वाईड ऑफ लॉन्ग ऑन लेग चांगला झेल आणि विजय चंदनेची खेळ संपुष्टात आलेली आहे। बालाजी के कॅप्टन और विशाखा स्पोर्ट्स के कॅप्टन दोनों को नरेंद्र चौधरी से आके मिलना है। और दूसरी बात है कि कल ठीक 8:30 बजे जिनके मैचेस है उनको रिपोर्ट करना है। 9:45 बजे आपके बीच में हम टॉस करेंगे और 9 से पहले मैच की शुरुआत होंगी। तीन फलंदाज बाद झाले, धाव संख्या 17 सुरेश एंटरप्राइजेस विरुद्ध जॉय कुमार, या दोन संघामधील सामना आपण पाहतोय। आता मात्र खेळण्यासाठी आलेला आहे सचिन कुमार, याला पुन्हा फटका गेला, चेंडू स्क्वेअर लेकडे जाते, कुठलाही क्षेत्र डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते एका धाव्याने। सुरेश एंटरप्राइजेस संघाची धाव संख्या, नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 3/18 बहुत ही सुहानी शाम करसन फ्लोरी की आपके नाम, जॉय कुमार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की आपके नाम। आज की शाम इतनी सुहानी है तो कल की और परसों की क्या रहेंगी, कौन बनेगा विजेता। 22 तारीख को फैसला होगा, फ्री एंट्री टूर्नामेंट, एक नया इतिहास भिवंडी तालुका में लिखा है शोमैन करसन फ्लोरे ने। 21 तारीख को फैसला हो जाएगा। या वेळेला मध्ये चेंडू हवेत आहे, झेल होण्यासारखी संभावना नाही, कारण मिडऑनला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही आहे। लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते। टोटल को हम देखे गवली सर तो 19 रन बने, 3 विकेट गिरी है, दूसरा ओवर चल रहा है। आज एक बात है, हवा धीमी चली लेकिन जॉय कुमार ट्रॉफी की हवा टेनिस क्रिकेट में बहुत ही तेज चलती हुई। वेलकम गणेश पाटिल, अपना हार्दिक स्वागत है। 19 धावा झाले 3/19 दुसरे षटक हे मार्गस्थ है। कुमार या वेळेला मात्र एक चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय आणि निघून जातो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये, निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती। 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 2 षटकामध्ये जर बघितलं आपण एक समाधानकारक सुरुवात म्हणता येईल, पण मात्र हे विसरून चालणार नाही की त्यांचे 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत। 2 ओव्हर की समाप्ती पे हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर 19 रन बने और विकेटों को देखें तो हम 3 विकेटें गिरी। गणेश पाटील यांनी देखील जय कुमार संघाला 500 रुपयाचा पारितोषिक लागले विकेट हॅट्रिकसाठी, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। गणेश पाटील एका चांगले क्रिकेटचे चाहते आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मित्रांनो शेवटच्या मॅचचा आपण आनंद घेत आहेत, कारण की उद्या सकाळी ठीक 8:30 वाजता पहिले चेंडू पडणार आहे या स्पर्धेचा। दोन्ही संघाने रिपोर्ट करायचं आहे सकाळी। गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, किसन मात्रे येते गोलंदाजीसाठी घरच्या मैदानावर, किसन मात्रे गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहे। यस अ फास्ट एंड फ्युरियस बॉलर किसन मात्रे ब्रॉट इन टू द अटैक। देखिए पिछले सीजन की सबसे अच्छी गेंद थी जब सीएम चषक में माजिद बोबड़े को स्विंगिंग यॉर्कर पे आउट किया था किसन मात्रे ने। यस वेगवान गोलंदाज किसन मात्रे येतोय, किसन मात्रे
चलो मतलब फाइन लेग करे याज बरोबर फलंदाज बाद आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए वहां पर बैट्समैन संकेत। ये देखिए बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका और गेंद कट के अंदर की जानी बाई थी। ये सुविधा पहला सामना जो होना है तो एसके एंटरप्राइजेस आणि जयदुर्गा हा सामना बरोबर 8:30 होईल 8:30 होईल आणि दुसरा सामना जो आहे तो विशाखा एंटरप्राइजेस विरुद्ध बालाजी हा सामना 9:30 होईल हा सामना बरोबर 9:30 होईल। तर एसके एंटरप्राइजेस आणि जयदुर्गा दोन्ही संघ कर्णधारांनी बरोबर 8:15 रिपोर्टिंग करायचं आहे 8:30 सामन्याला सुरुवात होईल। यूट्यूबच्या माध्यमातून समीरजी तांगडे देखील मॅचचा आनंद घेतात आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। पहिल्या चेंडूवर यश मिळते किसन मात्र या स्पाईचीच्या रूपाने संकेत याची खेळी संपुष्टात आली होती आता मात्र खेळण्यासाठी येतोय समीरन किसन मात्र याला मात्र ड्राइव्ह केलेला आहे चेंडूला चेंडू जाते सरळ स्क्वेअर लेग कडे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे त्यामुळे एकच धाव मिळेल आणि एकाच धावावर समीरनला समाधान मानावं लागतंय आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते सरस एंटरप्राइजेस संघाची 4-20। तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे आपण जी मॅच पाहतोय सामना पाहतोय जॉय कुमार विरुद्ध सुरेश एंटरप्राइजेस भरत देवडीकर फॅम टीम आहे सुरेश एंटरप्राइजेस किसन मात्र एक्सप्रेस गोलंदाज एवढा तो लोअर फुटा चेंडू तर ड्राइव्ह केलेला आहे मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे व्हाईटिश मिड विकेट मधून येतोय फक्त एकच धाव मिळेल आणि एका धावाने धावसंख्या होते 21। याचप्रमाणे जर धावसंख्या जमवली तर प्रोजेक्टेड स्कोर जर आपण बघितला 28 धाव होऊ शकतात याचप्रमाणे जर धावांचा वेग राहिला तर किसन मात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय याला मात्र बाउन्सर चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला मात्र फलंदाजच्या अवाक्य बाहेरचा चेंडू होता हे बघितल्यानंतर पंचाने इशारा केलेला आहे व्हाइट बॉल आणि वन फॉर दी ओव्हर हा सुद्धा इशारा दिला जातोय हे पाहू शकता आपण फलंदाजच्या अवाक्य बाहेरचा चेंडू होता वन फॉर दी ओव्हर यानंतर कदाचित अशा प्रकारचा चेंडू जर हाताळला तर तुम्हाला शिक्षा मिळू शकते मात्र शिक्षा वेगळी असू शकते संख्या होते 22 4-22। किसन मात्रे याला फुलटा चेंडू मात्र फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे सरळ शॉर्ट मिड विकेटला फक्त एकच धाव मिळाली आहे फायदा उचलता आले नाही खरं अशा चेंडूची जागा जी असते सीमा रेषा असते फक्त एकच धाव एका धावाने धावसंख्या होते 4-23। नाणेफेक हरल्यानंतर सुरेश एंटरप्राइजेस संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केलेला आहे मात्र अजूनही चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही कारण तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे धावसंख्या आहे 4-23। यावेळेला मात्र अतिशय चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता पडल्यानंतर थोडस उजव्याच्या बाहेर निघून गेलेला आहे अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी या षटकामध्ये बघायला मिळाले किसन मात्र या पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाली होती आणि ज्या ज्या वेळेला पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते तेव्हा गोलंदाजचं मनोधैर्य एक जबरदस्त वाढत असतं संघामध्ये सुद्धा एक उत्साह निर्माण झालेला असतो मनोधैर्य वाढलेलं असतं किसन मात्रे याला पुन्हा एकदा टर्न बघायला मिळाला अगेन्स्ट टर्न खेळण्याचा प्रयत्न केलेला होता चेंडू होतोय शॉर्ट टर्न मॅनला पंचांचा इशारा होतो लेग बाय आणि एक सफल षटक पूर्ण होतोय 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 24 वेलकम 4-24 आगमन झालेला आहे अरुण सुकीर चौधरी साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालंय आपलं हार्दिक स्वागत आहे करसनजी फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून जयकुमार ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे आलेल्या सर्व तमाम मान्यवरांचं या स्पर्धेचे वन मॅन शो मानेश्री करसनजी फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे
बहुत ही सुहानी शाम आप देख रहे हैं, अद्भुत क्रिकेट। बाउंडर ऑफ भिवंडी राजू बोगा को मोर्चे पे लगाया गया है, 24 रन 4 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं सुरेश इंटरप्राइजेस के। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री में संदेश पाटिल भिवंडीकर। थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे सर, एक चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत जयकुमार या संघाने केली आहे। सिद्दीक बाबे सर, 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 24 धावा धावपळकर आपण पाहतोय, वाकई में हर कमी पूरी हुई है। हालांकि किसी ने कहा है कि मैं क्या बताऊं कितनी कमी है तेरे बगैर, दुनिया उदास लगने लगी है तेरे बगैर, आ जा के आज वसले मोहब्बत की शाम है, महफिल तमाम सुनी पड़ी है तेरे बगैर। आइए लौट चलते हैं क्रिकेट में। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी है और ये देखिए एक आसान सा कैच गिरा दिया वहां पर और एक रन स्कोर में आता हुआ, एक रन से स्कोर 25 पे पहुंचा है। बोलते कि झेल पकड़ ली जाए सिद्दीक बाबे सर, कारण की सोप झेल होता आणि शत्रश देखील होता आणि केतन मलत्री वाटत मुकादम तिथे होता, सोप झेल सोडतोय आणि स्वप्न तुटतंय असं मी म्हणेल। पकड़ते पकड़ते छूट गया, जिस तरह गाड़ी पकड़ते पकड़ते छूटती है, 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। क्या मौसम है, सुनहरी धूप की चादर पूरे ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई, हल्की ठंडी हवा के झोंके जॉय कुमार ट्रॉफी को और ही रोमांचक बनाते हुए। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, और इस मरतबा जगह से खड़े खड़े स्विंग करने की कोशिश की, बीट किया बैट्समैन को। सिद्दीक बाबे सर, जेव्हा जेव्हा राजू बोगा याला मी गोलंदाजी करताना बघितलं भिवंडी तालुक्यामध्ये, पहिला चेंडू जर लेन लाइन मध्ये पडला तर बाकीचे येणारे चेंडू देखील स्टॅटिक लाइन मध्ये असतात राजू बोगायचे। बिल्कुल, इस गेंदबाज ने लेंथ लाइन अगर प्राप्त कर ली तो इसकी गेंदबाजी इब्ने सफी के नॉवेल की तरह सस्पेंड रहती है। राउंड आर्म गेंदबाजी में तो उनका कोई सानी नहीं। इस मरतबा मिस्टर मिस्टोक है, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं, आउट हो गए बैट्समैन, पांचवा झटका लगा है सुरेश इंटरप्राइजेस को, आउट होके जा रहे हैं समीरन। आई गव देवी आई सोना देवी आई टेम कर गावाची, गुआई मजी टेम कर गावाची, आई वक्त तुझे वाला। धाव संख्या 25 धावा धावपळकर सिद्दीक बाबे सर, कुठेच पिक्चर मध्ये पाहायला मिळत नाही सुरेश इंटरप्राइजेस पाय संघ, एक क्लास गोलंदाजीचा आज पाहायला मिळत आहे जयकुमार टेमगर संघाच्या माध्यमातून। आणि राजू बोगा ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतो सिद्दीक बाबे सर, 40 से 45 धावा पाहायला मिळतील। और दोस्तों कल क्या रहेगा जॉय में एंजॉय देखना ना भूलिए, कल शुमाइल सुसे फैम टीम एसके स्पोर्ट दो दो हाथ लेंगी, जय दुर्गा स्पोर्ट मदन बुआ नाइक फैम टीम, कल दूसरा मैच विशाखा इंटरप्राइजेस पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और दयानंद चोरगे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, कल तीसरा मैच भरत स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, कल वीआर स्पोर्ट दो दो हाथ लेंगी एसपी दापोडे से। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, इंप्रोवाइज स्ट्रोक 4 रन। आई सोना देवी आई गव देवी आई सोना देवी आई टेम करे। कल मुकाबला रहेगा रईस बिल्डर एंड डेवलपर और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी के बीच में। कल सोना देवी कुछ झेलना होगा मैच ऑफ इवनिंग आरडी 4440 को। राजू बोगा बहुत खूबसूरत शॉट खेला था, इस मरतबा ऑफिस टॉस खेला है गैप में, कोई मौका नहीं, दूसरा चौका, इसे कहते हैं क्लासिकल बैटिंग जो इस वक्त कर रहे हैं बैट्समैन सचिन। मैन फ्रॉम खारबाव अतिशय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळते, बैक टू बैक दोन चौकार सचिन याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। सबसे बड़ी बात है कि फील्डर कहां खड़े हैं, बैट्समैन अगर ये अनुमान लगाता है तो शॉट्स में उतना दमखम आ जाता है। 33 पे पहुंचा है स्कोर। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सचिन के लिए रॉन्ग वन थी लेकिन चुरा लिया है तुमने जो दिल को, रन चुराते हुए बल्लेबाज, ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है
34 विकेटें गिरी है 5। अब बाबे सर राजू बोगा षटका मध्य 10 धावा खर्च झाले आणि गडी देखील बात केले त्याने अतिशय चांगली गोलंदाजी मी म्हणेल कारण की स्लॉग आउटचे षटक आहेत। चला थोडंसं क्षेत्ररक्षण लावायचं यानंतर तुम्हालाच फलंदाजी करायची आहे। जयकुमार टेमगर संघ यस फॉर टाइम कन्सर्न वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आपण। वेलकम आगमन झालं आहे व्यासपीठावर गोपीनाथजी चौधरी साहेबांचं संध्याकाळच्या या क्षेत्रामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सूरज केने को मोर्चे पे लगाया गया बहुत ही सुहानी शाम। जॉय कुमार समय के मामले में सहयोग करे प्लीज। देखिए बहुत सुहानी शाम है और शाम का मंजर तो कभी दिलों में बैठ जाता है। सुबह की धूप और वो शाम का मंजर दिलों के बीच, ये सफर उम्र भर का है और तमाम उम्र चला फिर भी कम ना हुआ जो फासला तेरे घर से मेरे घर का है। एक उत्तर असेल सिद्दीक बाबे सर, ठंडी में गर्मी का एहसास, बिग मैच आहे आणि शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील। धाव संख्या धाव फलकावर आपण पाहतोय, फक्त 34 धावा 5 गडी बाद झाल्या। सूरज येतोय गोलंदाजीसाठी, सूरज केने मॅन फ्रॉम गोरसई समोर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय। सचिन षटकातील पहिला चेंडू व्यासपीठाच्या समोरून, पहिला चेंडू बघितला बॉम्ब हलकासा मिळाला होता आणि सरेला इष्टिकाच्या हातामध्ये गेले, ऑफ स्टंपच्या बाहेर देखील चेंडू लँड झाले। शेवटच्या क्षणी पंचांनी देखील व्हाईटचा इशारा केला। देखिए लाइन अंपायर को बिलोंग करती है, अंपायर चाहे तो व्हाइट डे चाहे तो ना व्हाइट डे। हालांकि बहुत तेज रफ्तार गेंद की थी उन्होंने, सूरज केने ने बहुत कम समय रहता है वो अपना रिएक्ट करते हैं। अगदी बरोबर, पहिला षटक क्लास टाकला होता सूरज केने ने। पुन्हा एकदा सूरज षटकातील पुढील चेंडू टाकतोय, या 20 लेग स्टंपर चेंडू होता आणि दिशा देखील दाखवली फलंदाजाने कारण की चेंडू सीमेच्या बाहेर फरार, 6 धावांसाठी षटकार। सारे दमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार, सारे दमुनी येतील यार सामना मैदानी। सबसे बड़ी बात है ये जो सचिन है ये गेंदों को बहुत क्विक पढ़ रहे हैं, कितने जल्दी उन्होंने देखा कि गेंद की लाइन लेग स्टंप के बाहर है, अपने आप को थोड़ा गेंद की लाइन से अलग किया, हुक कर दिया गेंद को बैकआउट स्क्वायर लेग के ऊपर और गेंद जब बल्ले से निकली थी ना उस पर छाप मोहर लगी थी 6 रन की। अगदी बरोबर, आता मात्र शेवटच्या 2 षटकांचा खेळ राहिला आणि इथे फलंदाजी पाहायला मिळते सचिन याच्या माध्यमातून। चला क्षेत्ररक्षक बाकीचे खेळाडू आपापल्या जागेवर जायचे कारण की यानंतर तुम्हाला फलंदाजी करायची, लक्ष असू द्या। जयकुमार टेमगर आपको लगता नहीं कि जहां मजबूत स्थिति थी वहां पर थोड़ा सा छूट दे बैठे जॉय कुमार के गेंदबाज। धाव संख्या झाली आहे धावफलकावर, अल्पेश गायकवाड सांगत आहेत की 41 एक चांगली धाव संख्या, मी म्हणे कारण की संध्याकाळचं क्षेत्र आणि थंडगार हवा देखील सुटले आणि यानंतर फलंदाजी देखील जॉयकुमार टेमगर संघाला करायची आहे। तर एकत्र जमू नका, आपण टीम मीटिंग चर्चा करू नका, खर्चा जास्त झाल्या स्पर्धेला आणि आपण स्वतः देखील ऑर्गनाइज आहात कारण की यानंतर तुम्हाला देखील फलंदाजी करायची आहे। सूरज केने अजून एक आपण पाहतोय करारा ऑन रॅप पाहायला मिळतोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये, चेंडू डीप मध्ये चेंडू जातोय, चेंडूला अडवलं जातोय तोपर्यंत एक धाव कम्प्लीट करतोय सचिन। एक चांगला क्रिकेट पाहायला मिळाला, एक षटकार त्यानंतर सिंगल देऊन आपण पाहतोय, स्ट्राईक आता मात्र आपल्या पार्टनरला दिली जाते इथे। सूरज स्ट्राईक वर असेल आता यावेळेस, देखिये जिस तरह से सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं संदेश, मुझे लगता है कि वो अपने माइंड में सेट कर चुके हैं कि हमको 60 के ऊपर जाना है। अब सूरज भी डर रहा है और इस ग्राउंड पे हमने इस वक्त के मैचेस देखे कि बाद में शॉट कैरी करना मुश्किल हो जाता है। अगदी बराबर, कौन विसरणार नाना कप मधील तो शेवटचा सामना फायनल मैच महेंद्र अगेन्स्ट आपण पाहतो या जॉली कामतगर तो मैच झाला होता और नाना और फारिस का मुकाबला भी तो याद होगा आपको। यस अगदी बराबर, सेमीफायनलचा तो राउंड कोण विसरणार, मात्र इथे सूरज केने कम बॅक करतोय आपल्या गोलंदाजीमध्ये, राईट आर्म ओव्हर द विकेट व्यासपीठाच्या समोरून गोलंदाजी केली जातोय, सामना करतोय सूरज, सूरज टू सूरज। यावी अतिशय सुरेख चेंडू, वेगवान गतीचा चेंडू होता, तेज रफ्तार सिद्दीक बाबे सर, ब्यूटीफुल बॉल, रफ्तार भी थी बाउंस भी था लाइन भी बहुत अच्छी थी और बैट्समैन के पैरों में कोई हलचल नहीं थी, गेंद उनके इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास, थोड़ा सा मोमेंट भी रहा था जिसके लिए जाने जाते सूरज केने। अगदी बरोबर, षटकार खाल्यानंतर एक चांगली वापसी पाहायला मिळते सूरज केने या गोलंदाजाची, राईट आर्म ओव्हर द विकेट।
आता या वेळी सभामध्ये ऑन साइडला मिडविकेट क्षेत्राच्या बाहेर खणखणीत षटकार पाहायला मिळतोय। खणखणीत दणदणीत षटकार, देखिए कितनी जूजी ऑफ वाली थी, हम रिप्ले में देखना चाहेंगे, बिल्कुल बैट्समैन के आगे रख दिया था। ये तो ऐसे आप मानो शेर को मांस दे रहे हो, होना ये चाहिए शेर को घास दो घोड़े को मांस दो दोनों मर जाएंगे। मात्र इथे सूरज केने अगेन्स्ट अबंपाथे चांगली फलंदाजी करताना आपण दोन्ही फलंदाज पाहतो, सचिन आणि सूरज ज्या प्रकारे ऑन फायर झालेले आहेत आणि लक्ष आपण पाहतो ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे सुरेश इंटरप्राइजेस पाये संघाच्या माध्यमातून। आतापर्यंत गोलंदाजी 14 धावा खर्च केल्या सदीप भाभे सर, आप चिंता की लकीरें जरूर किशन मात्रे के चेहरे पे आती भी, जिस तरह रन बन रहे आप, सुभाष ठाकरे भी थोड़ी चिंतित नजर आ रहे। यस, या चेंडूर वापसी करू शकते सूरज केने, राइट हैंड विकेट या विस आहे हवे मध्ये आणि मियाली इथे झेल आणि याला म्हणतात वापसी करणं। सिद्दीक बाबे सर, देखिए फिर पैरों में रखा था, जब आप पैरों से फ्लिक शॉट मारते हैं तो आपको ताकत कम मिलती है, आपका टाइमिंग अगर अफलातून है तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। यही कारण था कि उन्होंने फ्लिक जरूर किया लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, वैभव पाटिल दीप में थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। सिद्दीक भाभे सर, नेहमी आपण समालोचक करत असतो त्यावेळेस आपण म्हणतो की गोलंदाज चांगला आहे, तर चांगला ज्यावेळेस आपल्या षटकामध्ये धावा खर्च करतो आणि एक चांगली वापसी करण्यासाठी एक चांगला स्पेशल चेंडू टाकला जातोय तो सूरज केने याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला। नो डाउट एट ऑल, क्लास कभी भी नहीं मरता है, क्लास तो परमानेंट रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है हर खिलाड़ी के लिए। 48 धावा धाव फलकावर, 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 48 लॉस ऑफ 6 विकेट। सिद्दीक भाभे सर, इथून मी म्हणेल की 15 धावा येणं खूप गरजेचं आहे, कारण की ज्या प्रकारची धाव संख्या झाली आहे धावा फलकावर, या 60 प्लस की तरफ ही तो देख रही यहां पर सुरेश इंटरप्राइजेस। अतुल येतोय नवीन फलंदाज खेळण्यासाठी खेळपट्टीवर, पुन्हा एकदा गोलंदाज सूरज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते सूरज केने, षटकातील शेवटचा अंतिम चेंडू आहे, पाहूया पुन्हा एकदा विकेट घेईल की फलंदाज काही नवीन आक्रमक करी या चेंडूवर, राईट आर्म वर द विकेट। शेवटच्या चेंडूला बघितला आपण, अतिशय सुरेख लेंथ लाईन मध्ये बॉम्ब चेंडू पाहायला मिळाला आणि सरळ इष्टिकाच्या हातामध्ये डॉट चेंडू। या षटकामध्ये सिद्दीक भाभे सर, गोलंदाजाने 14 धावा खर्च केला, एक विकेट देखील घेतलंय। देखिए आपके 3 मिनट बचे, 3 मिनट में आपको ये ओवर पूरा करना है जॉय कुमार। अगदी बरोबर, कारण की यानंतर तुम्हाला देखील फलंदाजी करायची आहे आणि धावांचा जर विचार केला की एक चांगला टार्गेट आतापर्यंत सेट केला आहे आणि येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ देखील बाकी आहे, इथून जास्त नाहीये, 10 ते 15 धावा जरी आल्या तर एक चांगली फलंदाजी टेस्टिंग होऊ शकते जॉय कुमार टेमगर संघाची सुरेश इंटरप्राइजेस पाय संघाकडून। शेवटचा षटक टाकण्यासाठी राजू बोगा येतोय, ज्याने मागच्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केला होता, एक विकेट देखील घेतला होता, तीच अपेक्षा इथे असेल जॉय कुमार टेमगर संघाला। सध्या तरी आपण पाहतोय किसन मात्रे थोडस चिंतेत आहेत, कारण की धावा एका चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत, खेळण्यासाठी सज्ज होते डावखुऱ्याचा फलंदाज सचिन मॅन फ्रॉम खारबाव। फुलर लाईनचा चेंडू ऑन साइडला, चेंडू तर व्हाईटिश मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे, चुकीचा क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालं कुमार याच्या माध्यमातून, 2 धावा कंप्लीट करताना सचिन याला आपण पाहतोय, रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली पाहायला मिळाली। शेवटचा हा स्लॉगरचा षटक टाकताना राजू बोगायला पाहतोय आपण, धाव संख्या झाली आहे 50 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत तिथे सुरेश इंटरप्राइजेस पाये संघाच्या, भरत देवलीकर यांचा हा संघ आहे आणि क्षेत्ररक्षक करणारा संघ जॉय कुमार टेमगर करसम फुलर आहे। राजू बोगा लेफ्ट आर्म यावी कार्पेटचे सैनी चेंडू खेळून काढल्या, स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू गेलाय, डीप मधून क्षेत्ररक्षक आले, सूरज केने चेंडूला अडवला जात आहे, एक धाव कंप्लीट केली जात आहे। आता मात्र मी म्हणेल की शेवटच्या षटकामध्ये पूर्ण खेळाडू 4 झालेला आहे जॉय कुमार टेमगर संघाचे, ज्या प्रकारे गोलंदाजी होते, ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होते, प्रयत्न असेल राजू बोगायचा की 10 धावांना रोखण्याचा या षटकामध्ये। मात्र इथे फलंदाज सचिन त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक षटकार आणि 2 चौकार प्रेक्षकांना पाहायला मिळालेत। अतुल साथ देत आहे, 21 धावांवर खेळत आहे खेळपट्टीवर, 13 चेंडूमध्ये सचिन, अतुल खेळण्यासाठी सज्ज आहे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राजू बोगा टीमगर एन कडून गोलंदाजा मारा केला जातोय, लुजनर चेंडू होता, फायदा घेता आला नाहीये, ऑन साइडला गेला चेंडू डीप मध्ये अडवला जातोय वैभव याच्या माध्यमातून, एक धाव कंप्लीट केली जात आहे, गोलंदाजी खूप चांगली झाली आतापर्यंत राजू बोगा याची, कारण की आपण विचार केला तर 3 चेंडू मध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या, स्लॉगरचा षटक आहे, शांत ठेवलं आतापर्यंत फलंदाजांना, लेंथ लाईन चांगली प्राप्त केलंय गोलंदाजाने,
मैं अगोदर सांगितलं होतं राजू बोगा असा गोलंदाज आहे त्याचा चेंडू जर पहिला लेन लाइन मध्ये पडला तर निश्चित घातक बनू शकतो फलंदाजाने या स्पर्धेमध्ये आणि ती गोलंदाजी इथे पाहायला मिळेल राजू बोगा अजून एक आपण बघितलं ऑफस्टंपच्या बाहेर निघून मारण्याचा प्रयत्न केला होता वाईड वर्कर चेंडू टाकण्याचा देखील प्रयत्न केला होता लेग बायचा इशारा करत शकील कुडे सर एक्स्ट्राची मदत होते एक्स्ट्राची धाव एक्स्ट्राच्या घरामध्ये धाव संख्या झाली आहे धावपलकावर 53 धावा 53 एक चांगला टोटल सुरेश एंटरप्राइजेस पायर संघाचा झाला आहे येणाऱ्या अजूनही दोन चेंडूचा खेळ बाकी आहे इथून एक मोठा फटका जर आला 60+ धावांवर लक्ष असेल राजू बोगा चांगली गोलंदाजी करतोय चांगला साथ मिळतोय सुभाष ठाकरे यांच्या माध्यमातून या 20 वेगवान गतीचा चेंडू होता थोडस बीट झालं होतं फलंदाज बीट झालं होतं यष्टरक्षक मात्र अतिशय चांगला बाईचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून एक्स्ट्राची धाव मिळतोय धाव संख्या झाली आहे धाव पलकावर 54 धावा 54 क्या बात आहे क्लास गोलंदाजीचा काय असतो ते आज इथे साध्य करताना आपण पाहतोय राजू बोगा या गोलंदाजाला शेवटचा हा चेंडू आहे या इनिंग मधील सामना करतो सचिन शेवटचा चेंडू फुलर लाईनचा टाकला होता इथे फायदा घेता आला नाहीये फलंदाजाला एक धाव कंप्लीट झाले लेग बायचा इशारा करतात पंच शकील कुडी सर तर मित्रांनो पहिला इनिंग पहिला डाव जो आहे इथे समाप्त झाला 6 षटकामध्ये तब्बल धावा स्कोरबोर्ड बघतो आपण 55 धावा आणि 56 धावांचं आव्हान इथे ठेवलं आहे उद्याचा लॉट आपल्यापर्यंत पोहोचवला जाईल एसके एंटरप्राइजेस आणि जयदुर्गा भादवड हा बिग मॅच पहिला असेल सकाळच्या सत्रामध्ये या दोन्ही संघाने 8:30 वाजता रिपोर्ट करायचंय आपला पावणे 9 वाजता टॉस होईल आणि 9 वाजता पहिला चेंडू पडेल या स्पर्धेचा त्यानंतर मित्रांनो बिग मॅच पाहायला विसरू नका विशाखा एंटरप्राइजेस आणि बालाजी स्पोर्ट व्हॉट अ मॅच बिग मॅच पाहायला मिळेल त्यानंतर भरत स्पोर्ट आणि हमजा ही देखील सामना एक रंगतदार पाहायला मिळेल एसपी दापोडे आणि व्हीआर स्पोर्ट या दोन्ही संघामध्ये लढत होईल त्यानंतर मित्रांनो सोनादेवी डबल ए आणि आरडी व्हॉट अ मॅच पाहायला मिळेल त्यानंतर एक बिग मॅच तुमच्या भेटीला येतोय रईस बिल्डर्स आणि मॅगी 11 यामधील ही लढत होणार आहे तोपर्यंत आपण इनिंग समाप्त झाले ज्याने ज्याने या स्पर्धेला सफलतापूर्वक मदत केली आहे करसम फुलर यांच्या कांद्याला कांदा लावून जी मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी सर्वांची नावं देखील घेणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट आपण पाहतोय कामगिरी झालेली आहे तब्बल मॅन ऑफ द मॅच खूप पारितोषिक आहेत सर्वांची नावं घेणं खूप गरजेचं आहे मानश्री जगदीश नारायण म्हात्रे करेश म्हात्रे यांचे वडील आहेत त्याच्या माध्यमातून गिफ्ट हॅम्पर देण्यात आलेला आहे मानश्री शैलेश बालाराम चौधरी इंजिनियर TMC याच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट हॅम्पर देण्यात आलेला आहे मानश्री लडकू गोविंद फुलोरे चेतन एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आहेत त्यांच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट हॅम्पर आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानश्री सुधीर गजानन चौधरी धवल कुमार अँड कंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत त्यांच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट हॅम्पर आहे मानसे जितेंद्र बलिराम फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट हॅम्पर आहे स्वर्गीय संतोष बलिराम फुलोरे यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी गिफ्ट दिलेला आहे या स्पर्धेमध्ये त्यानंतर मित्रांनो मानसे रमेश बलिराम चौधरी त्यांच्या माध्यमातून सुंदर अशी कॅप आपण प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच देताना प्रत्येक खेळाडूच्या डोक्यामध्ये कॅप देतोय सोनादेवी केबल नेटवर्कचे प्रोप्रायटर आहेत त्यानंतर मानश्री कल्पेश मनोहर पाटील यांच्या माध्यमातून गॉगल देण्यात आलेला आहे मित्रांनो ट्रॉफी ज्या ट्रॉफीसाठी आपण मैदानाच्या आतमध्ये धडफड करत आहोत स्वर्गीय शिवनाथ शंकर चौधरी यांच्या स्मरणार्थ मानसे प्रदीप शिवनाथजी चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली ही ट्रॉफी आपण पाहतोय आणि स्वप्नील चौधरी कुछ मिठा हो जाय त्याच्या माध्यमातून केक प्रत्येक संघाच्या आपण मॅन ऑफ द मॅच ठरलेल्या खेळाडूला देत आहोत सोबतच जॉईन विथ अजय घरत आपलं हार्दिक स्वागत आहे संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये कारण की कडक मॅच झाली आहे आणि धाव पलकावर जर लक्ष आपण बघितलं 56 धावांचं आहे आणि मॅचला ज्यावेळी सुरुवात होईल पुन्हा एकदा सदाबहार कॉमेंटर आणि व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्धी बाबी सर सज्ज असतील कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये थँक्यू सो मच बहुत धन्यवाद संदेश पाटील बहुत ही सुहानी शाम में आप सभी का इस्तकबाल है शाम को और सुहाना बनाने के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ कि वाकई में कॉमेंट्री में जब अजय घरत आए हैं तो क्योंकि सदाबहार है तो कॉमेंट्री भी सदाबहार हो रही है और कहना होगा कि दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ
यूं ना समझो कि तुमसे प्यार नहीं, और तुम जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतजार नहीं। कमेंट्री में अजय गरत के आने के बाद एक नया चाम आया है, और चाम लाने के लिए शुरुआत भी हम करते हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत से। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए सिद्दीक जी। वैसे तो आपसे काफी कुछ सीखा है हमने और अभी भी सीख रहे हैं। जॉय कुमार टिमकर, ये देखिए का पीछा करने ये वाली बैनर्स आप देख सकते हैं। प्रदीप चौधरी, जगदीश नाइक हमारे मैनेजर वहां पे दिखाए जा रहे थे। ये सभी का विशेष आभार है। छत्तीस गेंदे और 56 रन, ये है समीकरण। वैसे देखा जाए तो आज दिन भर चर्चा यही हुई है कि 60 प्लस अच्छा टोटल है, लेकिन चूंकि शाम का मैच है, अंतिम मैच है दिन का, तो ये भी एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। सूरज किने आए हैं, उनके साथ आए हैं केतन पारी की शुरुआत करने के लिए। पहला ओवर लेकर गेंदबाज आकाश तैयार होते हुए सुरेश इंटरप्राइजेस पाई टीम की ओर से। पहली गेंद, ओहो बहुत ही दिलकश ड्राइव, जानबूझकर हवा में खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर बहुत दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। सूरज केने एक उच्च कोटि का स्ट्रोक, उच्च कोटि के बल्लेबाज द्वारा, ऑन द राइज भी खेला था। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है डीप में, ओह बहुत ही अच्छा कैच। दूसरी गेंद पर करारा जवाब देते हुए गेंदबाज आकाश, विकेट का पतन। शक्कर की गोली थी वहां पर सूरज केने को, हालांकि शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे जरूर गए थे, पुल किया था लेकिन फील्डर को पाया। ये देखिए शक्कर की गोली, ये था कि कहीं ना कहीं गेंद बल्ले के ऊपर लगी थी। जी हाँ, बाउंस को अच्छी तरह से काउंटर नहीं कर पाए, मिडल नहीं कर पाए वहां पर अपने स्ट्रोक को, थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी थी, जिस वजह से जो छोटी बाउंड्री है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में उसको क्लियर नहीं कर पाए। और एक अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया पूर्वानुमान नजर आया फील्डर का। विजय चंदन ने थे डीप में, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो 4 पर पहला विकेट गिरा है। आज बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला है, खासतौर पर पिछला मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा था रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच में। और इस मैच में भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है अंदर से कि शायद ये मैच भी आखिरी ओवर तक जा सकता है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी आने वाले ओवर्स में भी। गेंद हवा में है लेकिन फील्डर दूर है, कैचिंग पोजीशन में, ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नहीं था। गेंद शॉट मिड विकेट की तरफ चली गई। एक रन लेने का अवसर केतन के पास। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, रूपेश। अजय कहीं ना कहीं अब सूरज डर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि गेंदे थोड़ी शरारत कर रही। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुक रहे हैं, मैदान में साये गहराते जा रहे हैं, रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये वो समय होता है जहां पर बैटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। रुपेश एक और अच्छे बल्लेबाज, अच्छे तकनीक का परिचय देते हैं, मैन फ्रॉम सुरई, सामना करते हुए अगली गेंद का। देखिए स्ट्रोक फंस गया है लेकिन फील्डर बहुत दूर है। यही होता है जब रोशनी कम होती जा रही जाती है, गेंद बल्ले पर आसानी से आती नहीं है, टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए फिर से कहीं ना कहीं गेंद रुक के आई थी, जिस तरह से शॉट खेला था वहां पर। मेरा आपने जो काम है उससे 100% सहमत हूँ कि मैच आखिरी ओवर नहीं, आखिरी गेंद तक भी जा सकता है। वैसे देखने में तो काफी आसान लगता है कि 56 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में, जॉय कुमार टिमकर जैसी बड़ी टीम है, लेकिन ये अब तक 56 की तरह हिट ना हो जाए। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, स्वीप लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद और बढ़िया स्टॉप, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण विकेट कीपर के पीछे। शॉट फाइन लेके जो खिलाड़ी है बहुत सतर्क थे और निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। बाई का इशारा करते हुए अंपायर अजीम हमदुल्ले। गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है आकाश द्वारा, पहली गेंद पर चौका लगा था लेकिन उसके बाद विकेट चटकाया उन्होंने।
और लगातार कठिनाइयों में डाल रहे बल्लेबाजों को केतन मुकादम और रुपेश पाटिल की जोड़ी क्रीज पर इस समय स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक ऑन साइड में है और एक ऑफ साइड में। फिर से स्वीप लगाने की कोशिश इस बार पैर पर लगी है, 1 रन चुराते हुए बल्लेबाज। यही होता है जब बल्ले के बीचों बीच आप नहीं लेते हो तो इस तरह से रन चुराने पड़ते हैं। किनारा लगा था बल्ले का, पैर पर भी लगी थी, बल्कि दोनों पैरों के बीच में। सिंगल अंतिम गेंद पर और पहला ओवर समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में आकाश द्वारा, स्कोर केवल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर जॉय कुमार टिमगर। ये साफ इशारा है कि मैच किस तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छा ओवर किया यहाँ पर आकाश ने, जहाँ पर 8 रन दिए, सूरज केने को आउट किया और बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें अब 48 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 9.5 का है। भिवंडी सिटी क्रिकेट का ये महासंग्राम आज शुरुआत हुई। सुबह के सत्र में पहला मैच जो हमने देखा था महेंद्रा स्पोर्ट्स और आरडी के बीच में, आरडी ने उस मैच को जीता। उसके बाद कुछ मैचेस एक तरफा भी रहे, माउली स्पोर्ट्स और धनेश के बीच में भी एक मुकाबला हुआ था जिसको धनेश ने जीता था। उससे पहले जो मुकाबला हमने देखा था, दूसरा मैच, साई स्पोर्ट्स खारबाव और सोना देवी टिमगर के बीच में, सोना देवी टिमगर टीम ने उस मैच को जीता था। और पाइनियर और रेस बिल्डर्स के बीच में बहुत ही रोमांचक मैच। समय का ख्याल रखना है प्लीज़, देखिए ड्रिंक्स का जो समय है वो 4 ओवर के बाद है, सो प्लीज़ खिलाड़ी इस बात का ख्याल रखें। कई बार पानी मैदान में आता है तो वो रणनीति भी रहती है। कुछ मैसेज आता है ड्रेसिंग रूम से, प्लेयर्स पेविलियन से, लेकिन अभी जॉय कुमार टिमगर टीम ही बल्लेबाजी कर रही है, तो ऐसे में समय जाया करेंगे तो उनके लिए ही वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकता है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अल्पेश को, जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अजी जो BC4 का नया फॉर्मेट है इसमें मैंने देखा है कि जो जूनियर खिलाड़ी के नाम से आए हैं वो ज्यादा चमके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अच्छा मौका मिल रहा है। एक टीम में कम से कम 4 जूनियर खिलाड़ी होने चाहिए, ये नियम है। मोटा सिरा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फंबल, फंबल हुआ है और 1 रन पूरा करते हुए रुपेश पाटिल। कट करना चाहते थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए। एक बात और ये भी है कि आप देखिए कि 5:52 हो रहे हैं, शाम का सत्र है, ऐसे में सूर्य देवता तो लगभग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हवा में कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी रहता है और जब हवा में शॉट्स खेले जाते हैं तो छक्का लगाना खासतौर पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बाउंड्री को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां गेंदबाजों के अनुकूल है इस समय। अल्पेश अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार दूर से खेल बैठे हैं लेकिन फील्डर से भी दूर खेला है, कवर के ऊपर से कम 2 रन मिलेंगे इस दफा केतन मुकादम के खाते में ये 2 रन। हर बार हम देख रहे हैं कि बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लग रही है, और बीचों बीच भी लगती है तो उतनी ज्यादा ट्रेवल करती नहीं है जितनी दोपहर के सत्र में कर रही थी। बिल्कुल, आपने देखा कि इन फील्ड के ऊपर से गई थी लेकिन पीछे जाके गेंद कहीं ना कहीं धीमी हो गई। आपने जो कहा कि हवा में जो क्लाइमेट में जो मॉइस्चर रहता है यही कारण रहता है कि गेंदें कैरी नहीं होती, तो ऐसी परिस्थितियों में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच, काम तमाम होता हुआ केतन मुकादम का। जॉय कुमार टीम ने अपना दूसरा विकेट गवा दिया है 11 के स्कोर पर। ऐसा लग रहा है कि सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के गेंदबाजों ने कमर कस ली है, नए बैट्समैन किशन मात्रे को पिंच हिटिंग के लिए भेजा है ताकि बड़े अगर स्ट्रोक आए तो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो रिलीज हो जाए। ये देखिए कहीं भी एलिवेशन नहीं था, बहुत दूर से खेले थे और सबसे बड़ी बात है कि उछाल को बैट्समैन भाप नहीं पा रहे। जिस रफ्तार की उम्मीद कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को है उस रफ्तार से गेंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है बल्ले पर। वैसे तो विकेट तेज है लेकिन चूंकि परिस्थितियां भिन्न हो गई है तो कहीं ना कहीं विकेट भी अपना चरित्र थोड़ा सा बदल रहा है। नए बैट्समैन किशन मात्रे आए हैं, एक पावर हिटर के तौर पर भी मशहूर है, किसी भी परिस्थितियों में वो छक्का जड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आक्रामक तो खेलना ही होगा क्योंकि सिर्फ 11 रन बने हैं, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। रिक्वायर रेट पर एक नजर रखनी होगी बल्लेबाजों को, फील्डिंग में थोड़ा सा शायद परिवर्तन चाहते हैं वहां पर गेंदबाज अल्पेश। डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक खिलाड़ी रखा गया है, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी, बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग।
बढ़िया गेंद, इस बार जानबूझ कर बैट का फेस खोला है, शॉर्ट थर्डमैन की तरफ खेला और एक रन गैप नहीं ढूंढ पाए रूपेश पाटिल। तो ये चालाकी है उनके पास कि वो गेंद को फील्डर के दाएं बाएं भी खेल सकते हैं, गैप ढूंढना जानते हैं, लेकिन अभी तक तो कहीं ना कहीं उस चिरपरिचित अंदाज में बैटिंग वो नहीं कर पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल, सिंगल डबल चलती का नाम गाड़ी ही रहेगा, काफी महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि सिंगल डबल्स भी। ऑन साइड में उठाने का प्रयास किशन मात्रे का, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एक बात और है अजय की, जो गेंदबाज है उन्होंने वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान दिया, आपने देखा पिछली गेंद थी ये देखिए अंधाधुंध बल्ला चला दिया था वहां पर। और खासियत ये रही है कि दोनों भी गेंदबाजों की ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी वो जानबूझकर भी नहीं कर रहे हैं। एक तो गेंद पहले से ही बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं रही है और धीमा गेंदों को कर रहे हैं। ये भी थोड़ी धीमी गेंद थी, इनसाइड एज, इस बार गैप में जाती हुई गेंद, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर नहीं रोक पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। हालांकि शॉट उतना नहीं अच्छा था लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ, मुझे लग रहा है कि बल्ले के अंदर लगी थी ये देखिए। और स्क्वायर लेग के जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी 30 गज पे थे उन्होंने सुस्ती भरी फील्डिंग की, चौका आता हुआ। जी हाँ, सचिन थे वहां पर, रोका जा सकता था गेंद को लेकिन नहीं रोक पाए। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए चार ओवर्स में जॉय कुमार टीम को चाहिए 40 रन। जॉय कुमार टिमगर टीम, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है। कल इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन रहेगा, कुल मिलाकर 3 दिनों का ये क्रिकेट का कारवा है, जॉय कुमार ट्रॉफी 2020। कल का पहला मैच एसके एंटरप्राइजेस और जयदुर्गा बी के बीच में रहेगा। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है, वीआईपी डाइस का नज़ारा ड्रोन कैमरे से लिया गया था। प्रिंस मूवीज़ की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम, ज़बरदस्त टेलीकास्ट। कल का दूसरा मैच विशाखा एंटरप्राइजेस और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल का तीसरा मैच भरत स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में। कल चौथा मुकाबला रहेगा एसपी दापोड़े और वीआर स्पोर्ट्स के बीच में। कल का पांचवा मैच आरडी 4440 और सोना देवी डबल ए टीमगर के बीच में। कल एक और बड़ा मुकाबला मैगी 11 और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में, और उसके बाद भी एक मैच और हमें देखने को मिलेगा जो कल का सातवा मैच होगा। आकाश की गेंद चिप किया है सामने की तरफ, लॉन्ग ऑफ मौजूद है वहां पर, एक ही रन। स्कोर 17 पर पहुंच चुका है, रिक्वायर रेट अब 10 का हो चुका है, 10 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 23 गेंदें बची है और जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले की भी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि पावर प्ले के बाद रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों के लिए वो उतना आसान भी बन जाता है। बड़े बड़े गैप्स रहते हैं, इस बार टॉप एज है, गेंद हवा में और आसान सा कैच, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, समी रन थे वहां पर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब तो अजय हम कह सकते हैं कि गेंदे काफी रुक कर आ रही है, शॉट को टाइम करना मुश्किल हो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि टॉस तो जॉय कुमार ने जीता था। देखिए जॉय कुमार ट्रॉफी पिछले साल भी काफी हिट रही थी, आखिरी गेंद पर गोल्डन बाउंड्री से धनेश कुकसे ने फाइनल जीता था मराठा पंजाब के सामने। लेकिन जॉय कुमार ट्रॉफी कहीं ना कहीं पायनियर के लिए उतनी अच्छी नहीं रही। पिछला भी जो जॉय कुमार था वो आई कालूबाई लोनाट से अपना पहला मुकाबला आ रही थी और आज बहुत ही क्लोज इनकाउंटर वो रईस बिल्डर एंड डेवलपर से आ रही है। जी हाँ, कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लगातार कई टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, लेकिन खेल है क्रिकेट का, इतिहास बदला जा सकता है। आप सिटी क्रिकेट के हम फॉर्मेट को देखते हैं तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि कौन सी टीम कब किसको पलट दे, क्योंकि तभी सभी टीमें बहुत परफेक्ट हैं। नए बैट्समैन वैभव पाटिल आए हैं, इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव, गेंद को ड्राइव किया है डीप कवर की तरफ रुपेश ने। रुपेश अब ऐसे लगता है कि धीरे धीरे अपने असली रंग दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो गेंदों को मिडल कर रहे हैं। पिछली 3-4 गेंदें जो उन्होंने खेली है, जरूर आत्मविश्वास झलक रहा है उनकी बैटिंग में, और कहीं ना कहीं उनका ये उत्तरदायित्व यहाँ से बन सकता है कि वो आखिर तक खेले और एक मैच जिताओ पारी खेले अपनी टीम के लिए। टीम थोड़ी सी संकट में फंस गई है, रन संख्या 18 3 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 38 रन और चाहिए जीतने के लिए। वैभव पाटिल जो पिछले सीजन तक युतिका के लिए खेल रहे थे, जॉली ट्रॉफी के फाइनल मैच में बहुत ही उपयोगी 20 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। बढ़िया गेंद, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में,
कुछ भी समझ नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज। इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग सो फार फ्रॉम भरत तैना अनिल देवलीकर फैम टीम सुरेश पाए। इसे कहते कम टोटल पर कड़ा मुकाबला। बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आकाश का ये दूसरा ओवर है, पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट। इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं और उनके स्पेल में मात्र 2 गेंदे शेष है। पहले ओवर में 1 रन लेग बाई का था, शायद बाई का था मेरे ख्याल से। देखिए फिर से खेलना कहाँ चाहते थे और गेंद कहाँ पर गई है। हालात कहीं ना कहीं मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। देखिए बल्लेबाजी के लिए अब ये जो मौका है, ये जो समय, इतना आसान नहीं। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि उसका फायदा उठाकर सुरेश इंटरप्राइजर्स पाए ने जॉय कुमार को अपने घर में अब तक घेर रखा है। वाकई में आकाश एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार आगे रखी हुई गेंद इनसाइड एज, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा। फील्डर दूर से पहुंचे, विकेट कीपर पहुंचे और यहां पर स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं, लेकिन बैट्समैन ने अपने आप को झोंक दिया। हालांकि एक शॉट का इशारा आया, हालांकि मेहनत रहेगा जाती भी। जी हाँ, 2 रन पूरे किए थे लेकिन मिला है 1 ही रन। और देखिए ना, कलाबाजी खाकर वो अपने क्रीज में पहुंचे थे रुपेश, कपड़े गंदे हो गए तो सर्फ एक्सल है ना और करसन फ्लोरे भी है ना, बहुत कुछ है। सिंगल अंतिम गेंद पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां से 3 ओवर्स का खेल और बचा हुआ है इस मैच में जॉय कुमार टेमगर टीम की पारी में, और बचे हुए 3 ओवर्स में 36 रनों की आवश्यकता है। अभी भी देखा जाए तो गेटेबल इक्वेशन है, 18 गेंदे और 36 रन 12 का आस्किंग रेट। बिल्कुल, और देखना है कि कौन सी टीम आज की शाम अपने नाम करती है। क्या आज की शाम भरत देवलीकर और सुरेश इंटरप्राइजेस के नाम या जॉय कुमार और करसन फ्लोरे के नाम। गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा है मेरे ख्याल से अल्पेश को। ये जो रणनीति है, जिस तरह रणनीति पिछले मैच में हमने देखी थी वही रणनीति। जी हाँ, और कई टीमों ने ऐसा किया है, खासतौर पर जब फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की है तो कप्तानों ने उनसे लगातार 2-2 ओवर्स कराए हैं। अल्पेश फेसिंग इन बैट्समैन वैभव पाटिल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉल्स टू वैभव, पुट अवे, माइटी ब्लो, टाउरिंग सिक्स, व्हाट अ मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम वैभव पाटिल। इसी की कहीं ना कहीं दरकार थी जॉय कुमार टेमगर टीम को। दबाव खासा बन रहा था बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन वो दबाव हटाते हुए वैभव पाटिल बहुत ही बढ़िया बैट का स्विंग ऑन साइड में उठा के खेल दिया था। Great shot, big, big, big one, out of the ground, high and handsome. Now Vaibhav Patil frees his arms now, and he scored bouncing to 26 for the loss of 3 wickets. Now 17 balls and 30 runs. पिछले मैच में हम चर्चा कर रहे थे कि सामने की दिशा में ज्यादा छक्के नहीं लगे हैं, लेकिन वैभव का ये मजबूत पक्ष है कि वो सामने भी छक्के लगा सकते हैं। ये सिक्सर तो उन्होंने मिड विकेट की दिशा में लगाया है, लेकिन सामने भी अच्छे शॉट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं वैभव पाटिल। अल्पेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉल्स टू वैभव, ट्राई टू कट क्लोज हिज बॉडी, लकी फॉर हिम नॉट गेट्स आउटसाइड एज, फाइन कमबैक। अच्छी रफ्तार, दिशा परिवर्तन देखने को मिला, ऑफ स्टंप के बाहर रखा गेंद को, थोड़ी लेट हो गए थे बल्लेबाज, गेंद पहले निकल गई थी विकेट कीपर के हाथों में और बल्ला थोड़ा देरी से घुमाया था वहां पर वैभव पाटिल ने। यस एब्सोल्युटली लेट रिवेट फ्रॉम बैट्समैन, दिस टाइम इनसाइड एज ऑफ द बैट, रोज टू द स्क्वालिक बाउंड्री, दे गो फॉर वन, लुकिंग फॉर अ सेकेंड, इन कम्स थ्रो, स्लाइटली हेजिटेशन बट फाइनली मेड इजी कपल, 2-2 स्कोर नाउ, जॉय कुमार मोज अप टू 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि आधे रन बन गए हैं और 28 रनों की आवश्यकता है, 15 गेंदे बची है। अच्छा जजमेंट मैं समझता हूँ दूसरा रन जिस तरह से जज किया गया था दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा, हल्का सा हेजिटेशन भी रहा था लेकिन आखिरकार सफाई से 2 रन पूरे किए। अल्पेश सन स्लोली डाउन नाउ, टर्न फ्रॉम टेमगर एंड, फेसिंग हिम वैभव पाटिल, 4 मैन इनसाइड द रिंग, 3 बियॉन्ड द विकेट, बैकवर्ड पॉइंट शॉट, थर्ड मैन शॉट फाइन लेग, this time
hooks that ball in the gap. But what an excellent stop from the fielder. Relay fielding. Nice footwork. And saving 3 runs for his side. जी हाँ, 3 रन तो बचाए वहां पर सचिन ने, लेकिन मुझे लगता है कि वैभव ने 1 रन कम बनाया है इस गेंद पर। बाउंड्री शायद उनको लगा कि ये बाउंड्री हो गई है, जिस वजह से वो पहला रन लेने के बाद रुक से गए थे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फुटवर्क, फुटबॉल स्किल। 1-2 स्कोर नाउ, स्कोर मोज अप टू 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। यू आर वाचिंग वंस अनदर कट टू कट मैच। कंट्रोल पुल स्ट्रोक प्लेड बाय वैभव, but what a excellent work from Sachin. Alpesh, left arm round wicket, goes to Rupesh, this time inside edge of the bat, rose to fine leg, but with the stroke enough time, batsman cross for a easy single. अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद जो वापसी की है अल्पेश ने इस ओवर में, वो काबिले तारीफ है। स्कोर हुआ है 30 रन, 13 गेंदे शेष, 26 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी रिक्वायर रेट 12 का है। प्रति गेंद के हिसाब से हम देखें तो 2 रन बनाने होंगे। 13 बॉल्स एंड 26 नीडिंग टू विक्ट्री, व्हाट अ मैच। यू आर वाचिंग फुल एंजॉय, एंजॉय कुमार ट्रॉफी। पेस को अच्छी तरह से वैरी करते हुए गेंदबाज लाइन को लगातार बदलते हुए। अल्पेश goes to Vaibhav, beauty, wide yorker, just past the bat, what a war. गजब की वापसी, खासतौर पर पहली गेंद पर छक्का लगा, ऐसे लगा कि एक बड़ा ओवर आएगा जॉय कुमार के लिए, लेकिन ज्यादा बड़ा ओवर नहीं बना पाए बल्लेबाज वैभव पाटिल। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त यॉर्कर, अच्छे रफ्तार के साथ। अल्पेश का भी कोटा समाप्त होता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 26 रनों की जरूरत जॉय कुमार टिमगढ़ टीम को यह मैच जीतने के लिए। देखिए अजय, अब आकाश ने अपने 2 ओवर किए हैं, अल्पेश ने 2 ओवर किए, आप जो 2 गेंदबाज है वो नए आएंगे जिनको एक एक ओवर करना है, लेकिन 12-26 का जो इक्वेशन है, देखिए फील्डिंग तुरंत सजाना है, और इस कंडीशन में मेरा अपना मानना है कि ये मैच आखिरी गेंद तक भी जा सकता है अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आए तो, और ये मैच हो सकता है सुपर ओवर में भी जाए। सुपर ओवर के लिए समय है क्या हमारे पास? लेकिन कुछ भी हो सकता है वाकई में, मैच जिस स्थिति में खड़ा हुआ है अभी यहाँ से कहना मुश्किल है कि क्या होगा आने वाले 2 ओवर्स में। 5वां ओवर बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। इस मैच की दिशा और दशा ऑफिशियल वार्न कर रहे हैं अजीम हमदुल्ले गेंदबाज को, उमेश तरे, जिनके नाम शायद जूनियर में 6 गेंदों में 6 विकेट लेने का परशुराम टावरे स्टेडियम पर एक कीर्तिमान है, अद्भुत कीर्तिमान मैं कहूंगा, भले ही कौन सा भी फॉर्मेट क्यों ना हो। उमेश तरे पहली गेंद ड्राइव किया मिड ऑन पे, लेकिन थ्रो स्टंप पे लगता तो छोटू को जाना होता, जोखिम लिया था वहां पर, सीधी गेंद ट्रैवल कर गई थी, मिड ऑन को शायद क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, और मुझे लगता है कि उमेश गेंद को हाथ में लेते तो भी वहां पर विकेट मिल सकता था। ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन चूंकि ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी तो उसको ऑन साइड में खेलना उतना आसान नहीं था, काफी पीछे थे वहां पर रुपेश पाटिल, बाल बाल बच गए। वैभव पाटिल सामना कर रहे हैं उमेश तरे का, पहली ऑफिशियल वार्निंग दी अंपायर ने, उमेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ वाइड, आइए देखते हैं किस तरह से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाह रहे थे। यस, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, जब गेंद लाइन पे रहे तो अंपायर चाहे तो वाइड दे, ना चाहे तो ना दे। और देखिए गेंद हल्की सी मूव हुई है अंदर की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइन क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी मूव हुई है, उसको भी अंपायर ने ध्यान में रखा है। एग्जैक्टली, उमेश तरे वैभव को ड्राइव जरूर किया है लॉन्ग अप पे, 1 रन बना है, दूसरे की कोशिश है और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, अब जोखिम लिया जा रहा है
और अजय जोखिम वही लेता है जो बहादुर होता है, और किस्मत भी बहादुरों के कदमों में गिर जाती है। कहीं ना कहीं ये भी रणनीति है कि आने वाले बल्लेबाज जो है वो भी अच्छे पावर हिटर है, वो बड़े बड़े शॉट्स इन परिस्थितियों में खेल सकते हैं, तो यदि बैट्समैन आउट भी होते हैं तो शायद ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, बूम छुबाट टकरे एक ऐसे बैट्समैन है जो कंडीशन उनको कभी भी नहीं रोकती है। उमेश तरे, कट किया, बुलेट शॉट, चार रन, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई पहले बाउंस में डग आउट में। ये देखिए रूम मिला वहां पर वैभव पाटिल को, रूम मिलते ही उन्होंने धूम मचा दी, आड़े बैट से तिरछा स्ट्रोक, स्क्वेयर कट, चार रन प्राप्त किए हैं, सही समय पर चौका आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 38 पर, 9 गेंदों में अब 18 रनों की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच, लेकिन मैच अभी भी 50-50। करसन फ्लोरे अपने सनग्लासेस उतार के अब देख रहे हैं मैच को, और ये वो समय लोग आंखों में सुरमा डाल के मैच देखते हैं। वैभव को ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन, बैक टू बैक दो चौके, और वैभव पाटिल ने अब मैकेनिफिसेंट स्ट्रोक, वाइड ऑफ वॉली एंड फर्मली ट्रेमन पास द कवर फॉर फोर। चेहा कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसको बीट करना था, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, शक्तिशाली कवर ड्राइव देखने को मिला, जोरदार प्रहार किया उन्होंने और बिल्कुल घास से चिपकी हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए लगातार दूसरा चौका वैभव पाटिल के बल्ले से। 8-14 का इक्वेशन। जब वैभव पाटिल ने देखा कि हवा में शॉट्स नहीं जा रहे तो अब वो प्लेसमेंट कर रहे हैं, और इसे ही कहते हैं कि सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। कप्तान गए कुछ समझाने के लिए। 8-14, फुल टॉस गेंद, घी का लड्डू, 6 रन, और ये तो ताकत है वैभव पाटिल की, सामने बाउंड्री कितनी भी लंबी क्यों ना हो वो जरूर पार कर सकते हैं। मौका मिला और उस पर जड़ दिया उन्होंने छक्का। उमेश तरे की खबर लेते हुए, और इस तरह की स्थिति में इस तरह की गेंद मानो सामने वाले टीम का उत्साह बढ़ाती है। अब कितनी, 7-8 का इक्वेशन, अब जॉय कुमार एंजॉय की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। इस मरतबा गेंद निकल गई पीछे, 4 रनों के लिए, और करसन फुलोरे के चेहरे पे अब जाकर हंसी आती भी। क्या बात है, वाकई में क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता थी, दो ओवर में 26 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर में 22 रन बल्लेबाजों ने बना लिए, और इसका सारा क्रेडिट जाता है वैभव पाटिल को जो 30 पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी ओवर में मात्र 4 रन चाहिए, उमेश तरे ने काफी गलतियां की, दिशाहीन गेंदबाजी रही और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है वैभव पाटिल ने। देखिए एक ओवर में जब आप इतने रन खर्च करते हैं तो फिर बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। देखिए फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज, ये करसन फुलेरे को दिखाया जा रहा है, आप जाकर शोमैन ऑफ टेमगर जिनकी टीम अब तूफान से तो निकल गई है, लेकिन देखना है किनारे पे आ पाती या नहीं। 4 रन चाहिए 6 गेंदों पर। कल दोस्तों देखना ना भूलिए, फुल एंजॉय क्रिकेट जॉय ट्रॉफी, कल एसके इंटरप्राइजेस और जयदुर्गा बी के बीच में दो दो हाथ, कल विशाखा इंटरप्राइजेस को झेलना होगा बालाजी स्पोर्ट्स को, कल भरत स्पोर्ट की सवारी आएंगी हमजा के सामने, कल एसपी दापोडे और वीआर स्पोर्ट्स के बीच में एक अद्भुत बैटल, कल आरडी और सोना देवी का मैच ऑफ डे, कल मैगी इलेवन और रईस बिल्डर के बीच में दो दो हाथ, और कल आखिरी मैच रहेगा विशाखा बालाजी की विनर और सुरेश और इस मैच की विनर।
इस मरतबा फ्लिक किया फ्रंट फुट पे आकर ऑफिस टॉस, एक रन, तीन रन और चाहिए, पांच गेंदे। अब यहां से चुनौती सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम के सामने ये है कि सिंगल किस तरह से बचाया जाए। सिंगल्स बचाने होंगे क्योंकि गेंदे ज्यादा है, रन्स कम बनाने हैं बल्लेबाजों को। देखिए गवाया सब कुछ है, कमा सकते हैं। वैभव को निकाल दिया और आज की शाम करसन फ्लोरे और जॉय कुमार के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन एन हार्ड लक सुरेश पाए। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, मैन फ्रॉम कोलेवली वैभव पाटिल। वैभव पाटिल मैन ऑफ द मैच ठरला है। सतरा टिमगर गवाची हाय, सोना देवी अपनी एक कसमाई। सतरा टिमगर गवाची हाय, सोना देवी अपनी एक कसमाई। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। मैन ऑफ द मैच शेवटचा आहे। मी पावण्याला थांबवतोय की आपण आपले शुभ असते मैन ऑफ द मैच जो गिफ्ट एम्पर आहे, मैन ऑफ द मैच ची ट्रॉफी जी आहे आपण ते आपण आपले शुभ असते द्यायचं आहे। अरुण चौधरी साहेब आपण थांबायचं आहे, प्राइड डिसीजन मध्ये आपल्याला जायचं आहे। अरुणजी चौधरी साहेब सोबतच एकनाथ चौधरी साहेब आपणास देखील विनंती करतो आपण देखील प्राइड डिसीजन मध्ये जायचं आहे। त्याचबरोबर बाळाराम चौधरी साहेब आपण देखील प्राइड डिसीजन साठी यायचं आहे। गोपीनाथ चौधरी साहेब आपण देखील जायचं आहे प्राइड डिसीजन करण्यासाठी। अजय चौधरी आपण देखील जायचं आहे सोबत पाहुण्यांच्या। भावेश चौधरी आहेत, त्यांना देखील मी विनंती करतो आपण देखील प्राइड डिसीजन करण्यासाठी थांबायचं आहे। इंजिनियर शैलेशजी चौधरी साहेब आपण देखील थांबायचं आहे। बलवंत चौधरी साहेब आपण देखील थांबायचं आहे। आणि गुरुनाथ आमचे मित्र गुरुनाथजी मात्रे आपण देखील थांबायचं आहे। या सर्व मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण प्राइड डिसिजन करण्यासाठी आपण यायचं आहे। मित्रांनो सर्वप्रथम आपण मान्यवरांच्या हातामध्ये संपूर्ण गिफ्ट देऊया आपण आणि खेळाडूला बोलूया ज्याने ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाया इस टेमगर गाव को। नाम है वैभव पाटील। वैभव पाटील आपण पुढे यायचं आहे। सर्वप्रथम अरुण चौधरी साहेबांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते हा गिफ्ट एम्पर द्यायचा आहे। अरुण चौधरी साहेब यांच्या शुभास्ते कॅप सर्वप्रथम देत आहेत आपण। एकनाथजी चौधरी साहेब आपण देखील पुढे यायचं आहे, थांबायचं आहे, वैभव भरपूर आहे। एकनाथजी चौधरी साहेब यांच्या शुभास्ते हा गिफ्ट दिला जात आहे। त्यानंतर बाळाराम चौधरी आपण देखील पुढे यायचं आहे आणि आपल्या शुभास्ते गिफ्ट आपण द्यायचं आहे। त्यानंतर सुधीर गजानन चौधरी धवल कुमार अँड कंपनी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला सुंदर असा गिफ्ट गोपीनाथ चौधरी साहेब। भावेश चौधरी आपण हा द्यायचा आहे गिफ्ट एम्पर। कल्पेश मनोहर पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला गॉगल, अजयजी चौधरी आपण तो गॉगल द्यायचा आहे। त्याचबरोबर शैलेश चौधरी साहेब आपण केक जो आहे तो स्पॉन्सर केलाय स्वप्नील चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला सुंदर असा गिफ्ट आपण देतोय। आणि त्याचबरोबर बलवंत चौधरी साहेब यांच्या शुभास्ते हा गिफ्ट एम्पर दिला जात आहे। शैलेश बाळाराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट आपण देतोय। मित्रांनो अनंत ठाकरे साहेब देखील आपल्याला गिफ्ट देणार आहेत, तो गिफ्ट आम्हाला दिला आहे जितेंद्र बलिराम फुलोरे दादांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट। आणि मित्रांनो शेवटचा आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीसाठी वैभव पाटील याची खणखणीत फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून हजार रुपये रोख रक्कम दिला देईल ते देखील मी गोपीनाथ चौधरी साहेबांना विनंती करतोय आपण हजार रुपये वैभव पाटील याला द्यायचे आहेत। थँक्यू सो मच ऑल। आमचे मान्यवर वैभव एक जाता जाता एक प्रश्न करेल मी, कारण की संघाने खूप चांगली इथे कामगिरी केली। वैभव
गोलंदाजी तर खूप चांगली झाली होती, फलंदाजी कुठेतरी सामन्याला कलाटणी मिळण्याची शक्यता होती. मतलब मी सिद्दीक भाभे आणि अजय गरज यावी चर्चा करत होतो, एकच फक्त प्रश्न केला होता सिद्दीक भाभे सरांना, जब तक वैभव पाटील आहे तब तक ये मॅच टिमगर के पक्ष में, तर काय फिलिंग होती आपण खेळपट्टू खेळत होते? फिलिंग काय नव्हती, मॅच जिंकवायची होती फक्त आणि ती जिंकवली. तू ऑफ साईडला जास्त खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये तू कामयाब नव्हता पहिल्या षटकापर्यंत, मात्र शेवटच्या 12 चेंडूवर ज्यावेळेस सामना आला होता त्यावेळेस तुझे 3 चौकार आणि एक षटकार पाहायला मिळालं आणि सामन्याला कलाटणी मिळाली, ही मॅन ऑफ द मॅच कोणत्या खेळाडूंना समर्पित करणार आहेत? पूर्ण टीमला समर्पित करणार आहे आणि आमच्या स्पॉन्सरला. इथे ऑर्गनायझिंग चांगली केली आहे आणि खूप मेहनत केली आहे, ग्राउंड वगैरे खूप चांगला बनवला आहे आणि आम्हाला चान्स दिला.